हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल nbollymedia में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाना, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगी बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आमिर खान की हिट फिल्म गजनी का बनने जा रहा है सीक्वल। जी हाँ दोस्तों, साल 2018 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म गजनी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। अब मेकर्स ने इसके सीक्वल की तरफ इशारा किया है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गजनी को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसे देखने के बाद अब इसके सीक्वल की चर्चा शुरू हो गई है। मेकर्स ने इस पोस्ट में आमिर खान को टैग करते हुए लिखा, ये पोस्ट वैसे तो गजनी को लेकर था, लेकिन अब भूल गए कि हम क्या बनाना चाहते हैं। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद अब गजनी 2 को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि विक्रम वेधा रीमेक का नाम गजनी 2 हो सकता है। गौरतलब है कि गजनी एक रिवेंज ड्रामा थी और विक्रम वेधा का प्लान भी शानदार है और उसी दिशा में है। ऐसे में फिल्म का नाम गजनी 2 रखना परफेक्ट आइडिया है। बता दें कि गजनी ने बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब का ट्रेंड शुरू किया, जिसके बाद हर फिल्म के साथ ये आंकड़ा आगे बढ़ता गया। फिल्म में आमिर खान ने एक ऐसे आदमी का किरदार निभाया था जो हर कुछ समय के बाद बातें भूल जाता था। वर्क फ्रंट की बात करें तो आमिर खान इस साल के अंत में फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आने वाले हैं। ये हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक है। फिल्म में करीना कपूर खान भी नजर आने वाली है, जबकि अद्वैत चंदन इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। चल दोस्तों, आपकी गजनी 2 के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।